स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के एपिसोड रॉकेट मंडे में हम जानेंगे बैटरी पावर रॉकेट के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है रॉकेट लैब, इसने हेडलाइंस रिसेंटली क्रिएट किया ये बात के कि ये बैटरी पावर रॉकेट से ऑर्बिट पहुंच गए। और ये कंपनी है एक अमेरिकन कंपनी, लेकिन ये अमेरिका में बनी हुई कंपनी नहीं है, ये न्यूजीलैंड सब्सिडियरी में चल रहा है, गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेटली ओन्ड है, लेकिन जो प्राइवेट ओनर है वो स्विट्जरलैंड से है, और स्विट्जरलैंड में कह रहा हूँ न्यूजीलैंड से है, और मेन इसके लॉन्च साइट भी न्यूजीलैंड में ही बनाए जाएंगे। और इसका डिज़ाइन जो है, मतलब ये कंपनी कोशिश क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है छोटे रॉकेट को बनाने के लिए जो कि छोटे पेलोड को मार्केट ऑर्बिट में डाल सके। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो इनका ये बैटरी पावर क्या है, तो आपको ये समझना होगा बैटरी से आप गाड़ी चला सकते हो, बैटरी से आप प्लेन चला सकते हो, बैटरी से आप रॉकेट नहीं चला सकते। तो ये लोग जो कर रहे हैं बैटरी से, वो ये है कि मैंने SpaceX का वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि SpaceX के इंजन एक गैस जनरेटर का इस्तेमाल करके टर्बाइन घुमाते हैं, और बिना टर्बाइन के प्रेशराइजेशन के आपका फ्यूल नहीं जलने वाला, मतलब जल जाएगा लेकिन आपको थ्रस्ट नहीं मिलेगा। तो प्रेशराइज करने के लिए टर्बाइन चाहिए, टर्बाइन को घुमाने के लिए एनर्जी चाहिए, जनरली वो गैस जनरेटर से आता है। इस केस में वो लोग टर्बाइन को घुमाने की एनर्जी को मोटर से ला रहे हैं, जो आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये मोटर लाल कलर का मोटर है, और इसमें इन्होंने दो पाइप को लिया, मतलब एक किरोसिन और एक ऑक्सीजन को लिया, दोनों को अपना अलग अलग टर्बाइन दे दिया, दोनों को दो मोटर्स चला रहे हैं, जो मोटर का पावर है 50 हॉर्स पावर, काफ़ी तगड़ा है मोटर, आप देख सकते हैं कि मोटर कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर का, 50 हॉर्स पावर का मोटर इतने साइज में मिला है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ये लोग अलग से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना केरोसिन डालना है, कितना ऑक्सीजन डालना है, अलग अलग सिचुएशन के लिए आप चाहोगे थोड़ा सा चेंज कर, ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहोगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करना अच्छा रहता है, तो ये चेंज करने की सेटिंग में जाए। और अगर इनको एक ही बनाना पड़ता तो इनको ऐसा सिस्टम चाहिए मेटल का जो लिक्विड ऑक्सीजन और किरोसिन को मिक्स होने ना दे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसने सस्ता बनाने के चक्कर में दो सीधे मोटर डाल दिया। और इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिक बात यह है कि ये सब तो ठीक है इन्होंने बैटरी से किया, ये पूरा रॉकेट का मेन चेंबर जो है वो 3D प्रिंट है, मतलब आप ये जो मेन हिस्सा देख रहे हैं वो 3D प्रिंट है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि रॉकेट का पूरा दाम अगर आप देख लीजिएगा कि हाँ भाई ये रॉकेट इतनी का है, तो रॉकेट कोई खास महंगा चीज़ नहीं है, मतलब आप बोलोगे टंकी है स्टील की बनाई जा सकती है, कार्बन फाइबर की बना सकते हैं, एल्यूमिनियम लिथियम एलॉय की बना सकते हैं, वो खास महंगा चीज़ नहीं है। लेकिन इंजन बहुत महंगा होता है, क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारे प्लम्बिंग होती है जो कि मतलब तगड़म तगड़म पाइप लगाए जाते हैं, प्लस ये चेंबर के अंदर छोटे छोटे पाइप्स रहते हैं जो कि मतलब या हाइड्रोजन किरोसिन या जो भी आपका फ्यूल है उसको घुमाते हैं, ताकि ठंडे फ्यूल से गर्म दीवाल जो मतलब चेंबर है वो पिघल ना जाए, चेंबर ना पिघले इसलिए उसके अंदर फ्यूल को जनरली घुमाया जाता है। ये आप जो पाइप देख रहे हैं वो फ्यूल को वैसे वापस भेज रहा है, ये करने से इंजन ठंडा रहता है, पिघलता नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, कोई मेटल उतना टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो उसके लिए इसको ऐसे किया जाता है, ये जनरली सारे रॉकेट में होता है। वो बनाने में बहुत खर्चा आता है, बहुत खर्चा, तो उस खर्चे को तुरंत इन्होंने हटा दिया 3D प्रिंटर डाल के। ये इनका रिस्क था कि 3D प्रिंटर क्या कर पाएगा कि नहीं, और सक्सेसफुली कर लिया। और इन्हें ये इंजन प्रिंट करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक प्रिंट डाला प्रिंट फाइल, और ऐसा नहीं कि पूरा सब चीज़ प्रिंट होके आता है, मतलब सिर्फ इंजन प्रिंट होके आएगा, आपको उसमें मोटर लगाना पड़ेगा, पाइपिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन मतलब इनका करंट स्पीड जो है वो इतना हो सकता है कि ये लोग एक हफ्ते में, मतलब आपने डिज़ाइन किया, आपने बोला हमें ये इंजन दो, ये एक हफ्ते में आपके पास एक्चुअल इंजन ले आएंगे, जो कि रॉकेट इंडस्ट्री में मतलब जनरली कई साल तक लग सकते हैं, और ये सब कुछ हफ्ते में ही निपटा देंगे। दूसरा, इनका स्पेसिफिक इंपल्स क्या है, तो ये नंबर समझिए माइलेज होता है रॉकेट के लिए, कि माइलेज क्या है तुम्हारा, तो ये है 311 सी लेवल पे, और वैक्यूम में बढ़ जाता है माइलेज थोड़ा, तो वैक्यूम में इनको मिलेगा 343, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है, ठीक ठाक है। तो रदरफोर्ड इंजन जो है 3D प्रिंटेड है, ऑक्सीजन और किरोसिन इस्तेमाल कर रहा है, दो मोटर यूज़ कर रहे हैं 50 हॉर्स पावर के, और सिंपल 3D ये मतलब सिंपल असेंबली है इसकी। और इसका डिज़ाइन जो इस कंपनी का पूरा डिज़ाइन है वो बहुत सिंपल है, ये ऑलमोस्ट SpaceX जैसा डिज़ाइन है, जो कि मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि मतलब SpaceX भी यूज़ करता है 9 इंजन अपने बेस में, और अपर स्टेज में 1 इंजन, सेम डिज़ाइन डिक्टो यहीं कॉपी किया है। नौ यहाँ पे मैंने लिखा है 2.5 स्टेज, वो इसलिए लिखा है कि ये ऑर्बिट अगर इस तरह से डायरेक्ट जाते हैं तो इनको एक बलिस्टिक ऑर्बिट मिलती है, जो कि ऐसे जाके गिर जाएगा, ऑर्बिट नहीं कर सके, गोल गोल नहीं घूमेगा। तो ऑर्बिट करने के लिए हम लोग कहते हैं सर्कुलराइज द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट आपका इलिप्टिकल होता है, जब भी आप ऐसे फायर करोगे इलिप्टिकल बनेगा, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट स्टेबल
स्टेबल नहीं होता है, तो आपको चाहिए सर्कुलराइज करना है, आपको ऑर्बिट को थोड़ा सर्कुलर बनाना है। उसके लिए इन्होंने एक नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया जिसे ये कह रहे हैं किक स्टेज। एक छोटा सा स्टेज, इसका कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, ये तो मोनोप्रोपेलेंट से चलता है, जो कि वो बता नहीं रहे कौन सा है। रॉकेट इंडस्ट्री में मोनोप्रोपेलेंट सिर्फ कोर्स करेक्शन, स्टेशन कीपिंग, ये सब काम के लिए किया जाता है, इसका मेन यूज़ नहीं किया जाता है। ये बस कोर्स करेक्शन है, मतलब थोड़ा ट्विकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक मोनोप्रोपेलेंट यूज़ कर रहे हैं और बहुत कम पावर का है, 120 न्यूटन का है, और इसका काम सिर्फ ऑर्बिट को सर्कुलराइज कर देना है, और मतलब अलग अलग जगह पे अगर सैटेलाइट डिप्लॉय करें तो यही उसका काम देखेगा। और इसका जो इंजन है, आप इंजन तो ले लिया आपने, प्रेशराइज ये किया, लेकिन प्रेशराइज करने के लिए आपको टैंक से भी प्रेशर चाहिए, तो वो प्रेशर ये लोग ला रहे हैं हीलियम से, तो जैसे स्पेस एक्स भी करता है, एकदम हीलियम डालता है वो टैंक में, एग्जैक्टली यही चीज़ वो लोग कर रहे हैं। और आपको ये समझना होगा बैटरी चूँकि हल्का नहीं होता है, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, जैसे मान लिया आपका 10 किलो का बैटरी है, आप बोले उस फुल चार्ज है तो भी वो उतना ही वजन करेगा, पूरी तरह से डिस्चार्ज है तो भी उतना ही वेट रहेगा उसका, उसका वेट नहीं चेंज होगा। तो इसलिए ये लोग जब अपर स्टेज को करते हैं, अपर स्टेज में आप देख सकते हैं कि मैं दो बैटरी अलग अलग है, ये लोग एक बैटरी को पूरा यूज़ कर लेते हैं, जैसे ही उस पूरी तरह से डिप्लीट हो जाता है उसको गिरा देते हैं, ताकि रॉकेट और इफ़िशेंटली काम कर सके और ज़्यादा इनको पेलोड टू ऑर्बिट मिल सके। तो बैटरी का ये साइड इफ़ेक्ट है। तो ये, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कब ये बैटरी ड्रॉप करते हैं, तो आप रॉकेट लॉन्च से लगभग 6 मिनट 30 सेकंड पे आपको मिल जाएगा। और ये रहा बात ये बेस के इंजन को चलाने, 9 इंजन चलाने का पावर कंजप्शन अपवर्ड्स ऑफ 1 मेगावाट चला जाता है, मतलब 1 मेगावाट बिजली खा जाते हैं ये सब छोटा छोटा मोटर, इतने सारे मतलब 2 मोटर पर इंजन है, 9 इंजन है, 18 इंजन लग रहा है, प्लस एवियोनिक्स लग रहे हैं, तो बहुत बिजली खाता है, तो 1 मेगावाट खाता है, लेकिन सिर्फ 3 मिनट तक खाता है। ये स्टेज को स्टेजिंग जनरली 3 मिनट के आसपास कर दिया जाता है, 4 मिनट से ज़्यादा तो ये चलेगा ही नहीं। तो ये इनके बारे में हम समझते हैं कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक छोटा रॉकेट बना रहे हैं, छोटे टारगेट के लिए बना रहे हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है, इनका मतलब प्रॉफिट कैसे होगा इनको? इनको प्रॉफिट ये होगा कि ये पहला इकलौता रॉकेट है जो 10 मिलियन के अंदर आपको एक्चुअली ऑर्बिट तक पहुँचा दे रहा है। ना ये बात आप समझिए, क्योंकि ये रॉकेट हल्का है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी इसकी कम है, लाइट वेट रॉकेट है, तो ये पर किलो बहुत सस्ता नहीं है, मतलब अगर आपको 100 किलो का चीज़ भेजना है ये महंगा पड़ रहा है, 100 किलो आपको स्पेस एक्स सस्ते में भेज देगा, लेकिन स्पेस एक्स बोलता है भैया कम से कम 10 टन दो, ये आप इससे समझिए, जैसे आपका ऑनलाइन में आता है ना मिनिमम ऑर्डर, वही मिनिमम ऑर्डर का टेंशन आ जाता है बड़े बड़े रॉकेट में, इसमें वो मिनिमम ऑर्डर वाला नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी के पास है, बहुत सारा नहीं भेजना है यार, सिर्फ 1 या 2 क्यूब सेटेलाइट भेजना है, तो वो 6 मिलियन दे सकता है, 6 मिलियन इतना कम है कि कई लोग तो फ्री फंड का कर सकते हैं। फिर ये स्मॉल सैटेलाइट जो भेज रहा है वो ऐसा ही नहीं कि बहुत छोटा सैटेलाइट भेज रहा है, ये अपवर्ड्स ऑफ 220 केजी भेज सकता है, मतलब 200 किलो तक का सैटेलाइट आराम से ये भेज सकता है, और बहुत सारे क्यूबसैट एक साथ लॉन्च कर सकता है। तो ये है क्यूबसैट जो आज की दुनिया में मतलब एकदम छा रहा है। ये क्यूबसैट का बस ये मतलब एक क्यूब है, इसे एक यूनिट कहा जाता है, 1U, तो और ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का हिसाब दिया गया, एक यूनिट दिया गया आपको, और इस यूनिट को आप देख सकते हैं, पहले तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब ट्रेनिंग के लिए कि सैटेलाइट डिज़ाइन कैसे करो या कुछ छोटे छोटे मेजरमेंट, आजकल इसका बहुत बड़ा रोल हो गया है। और आप देख सकते हैं कि क्यूबसैट के बहुत सारे डिज़ाइन मतलब पैटर्न आते हैं, जिस पैटर्न में जैसे 1U 2U 3U और ये है 3x2U, मतलब 3 ऐसे 2 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे करके यूनिट आने लगे हैं, तो इसका बहुत सारा डिमांड हो गया है। और क्यूबसैट आजकल अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत यूज़ किए जाते हैं, सैटेलाइट जनरली पहले जियो स्टेशनरी पर रखते थे, जिससे मतलब सैटेलाइट आराम से देख फोटो खींच सकता था, हाई रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि उससे वो सिर्फ एक जगह का खींच पा रहा, और चूँकि वो दूरी इतनी ज़्यादा थी कि टेलीस्कोप चाहिए था तब जाके वो मतलब अर्थ पे कुछ अच्छे से फोटो खींच सकता है, ये सब 500 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, और शुरू का 100 किलो मतलब सिर्फ धरती के शुरू के जीरो से मतलब सी लेवल से लेके 100 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद सीधा वैक्यूम है, तो वो 400 किलोमीटर इनको फ्री का दिक्कत नहीं हो रहा, और इनको बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं चाहिए देखने के लिए। तो अर्थ इमेजिंग में ये बहुत क्रांति ले आया है, मतलब डव सैटेलाइट करके एक सैटेलाइट्स हैं जो कि मतलब 100, 150, 300, 400 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं ताकि ये फटाफट अर्थ इमेजिंग कर पाएँ। सैटेलाइट सस्ते हैं, सैटेलाइट को कुछ ही दिन रहना है ऑर्बिट में, ये ऐसा नहीं कई साल तक ऑर्बिट में रहेंगे, कुछ ही दिन रहेंगे, फिर उसके बाद अब डी ऑर्बिट हो जाते हैं अपने आप। और आपको ये समझना होगा कि ये लोग जो इतना सिस्टम लगा रहे हैं, इतना तिगड़म लगा रहे हैं, इनका मेन ये है कि ये लोग रॉकेट रिकवर नहीं करेंगे, इनकी रॉकेट यूज़ होगा थ्रो हो जाएगा। तो ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, सिंपल सिंपल चीज़ का इस्तेमाल करके क्विक एंड मास मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मतलब कि आप ऑर्डर दो हम अभी बना देंगे रॉकेट। इनका ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर दो
मतलब 3 साल बाद आपका एक बुकिंग खुलेगा, मतलब बहुत टाइम लगता है रॉकेट और ये सब में, ये उसको एकदम छोटा कर देना चाहता है। मतलब एक यूनिवर्सिटी आता है, बोलता है यार मेरे को क्यूब साइट भेजना है, नासा बोलेगा देखो मेरा हम 4 साल तक का बुक है, हो गया स्पेस एक्स के बाद, बोलेगा यार देखो भैया मेरा इतना सारा सैटेलाइट का लॉन्च जब पूरा हो जाएगा, जब मिनिमम ऑर्डर पूरा हो जाएगा तब हम तुम्हारा पीवी बैंक कर देंगे, ये बोलता है आप हमारे पास सीधे आइए। हाँ महंगा पड़ेगा, लेकिन ये सीधे कर दे रहा है, मतलब आप आज आइए हम आपका कल लॉन्च कर देंगे, उतना तेज नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। और ऑर्डर से लॉन्च तक का टाइम ये लोग बहुत कम रखना चाह रहे हैं, मतलब हाँ वेदर से फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए और कोई बड़ा रॉकेट लॉन्च हो रहा है आगे पीछे तो नहीं करने दिया जाएगा, मतलब थोड़ा तो आपको ट्रैफिक के बारे में सोचना पड़ेगा, स्पेस ट्रैफिक के बारे में तो, लेकिन ये लोग बहुत टाइट रखने वाले हैं कि मतलब आपने ऑर्डर डाला फटाक से ये लोग दे दिए डिलीवरी, ये इनका मेन खासियत है। तो इतने प्रो हैं, इतने मतलब इतने सारे फायदे हैं, तो नुकसान भी होगा। नुकसान ये है कि ये लोग लियो तक लिमिटेड है, लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये लोग बहुत ऊपर जा नहीं सकते, सैटेलाइट इनके बहुत ऊपर नहीं जा सकती है, मतलब बड़ा सैटेलाइट मैंने आपको बताया ये चांद पे भी आप भेज सकते हो जो कि यूज़ किया जाएगा रिसेंटली, लेकिन चांद पे जो भेजेंगे वो पेलोड बहुत छोटा होगा, कितना छोटा होगा वो तो अभी तक डिटेल नहीं मिली है, लेकिन बहुत छोटा होगा और 3 दिन में पहुंचेगा भी नहीं, वो मतलब स्लो ऑर्बिट इस्तेमाल करेगा जो कि बहुत कम फ्यूल खाता है, लेकिन करीब करीब 1 महीने से 6 महीने तक लग जाते हैं आपको वहाँ पहुँचने में, मून पहुँचने में, तो इसलिए ये लो अर्थ ऑर्बिट तक लिमिटेड है। ये आप इनके साइट में ही जाओ, ये सीधे बोलते भैया हम लो अर्थ ऑर्बिट के लिए हैं, प्लस इनका पेलोड कैपेसिटी मतलब टोटल पेलोड कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब 200 तक ही है, तो इसका नुकसान ये होता है कि मान लीजिए कई सारे लोग आ गए क्यूबसैट भेजने के लिए, ये भेज नहीं पाएंगे, ये मतलब बहुत 100-150 क्यूबसैट एक साथ नहीं लॉन्च कर सकते, जो इसरो का जो कि रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एज इन लाइक वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जिसने ये किया, इसरो ने 104 सैटेलाइट एक बार में, मतलब एक रॉकेट ऊपर गया 104 सैटेलाइट ड्रॉप किया गया, मतलब प्रॉपरली ऑर्बिट किया, ऐसा नहीं कि कोई भिड़ गया दूसरे में, सब सब मैनेज करके 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च है। स्पेस एक्स भी कर सकता है, अभी तक उसके पास कोई ऑर्डर नहीं आया वैसा करने का, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इनका लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है अर्थ इमेजिंग के लिए कि मैं यार अर्थ का फोटो खींचना है, मेरे को 100 सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो ये एक लॉन्च में तो कर ही नहीं सकते। दूसरा, ये इनका जो बैटरी पे इस्तेमाल करने का सिस्टम है ये बहुत छोटे पे बहुत अच्छा है, जैसे आप इलेक्ट्रिक प्लेन पर अगर बनाना चाहते हैं तो छोटे प्लेन तो बहुत आराम से बन जाते हैं, आप आदमी ले जाना चाहते हैं 2-3 आदमी आराम से बन जाएगा, आप मिलते हैं बोइंग बनाती है ऐसी, लेकिन अगर आप जंबो जेट बनाना चाहेंगे तो बैटरी भैया नहीं होता, बैटरी का वजन इतना बढ़ जाएगा कि वो पॉइंटलेस हो जाता है। वो इसमें भी लागू होता है कि बैटरी का वजन इनका फाइनल झंझट हो जाता है, और बात बात पर ये ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब बैटरी फेंकते जाओ, मतलब इनको लो स्टेज पे सर हाँ एक बैटरी खत्म फेंके, दूसरा बैटरी खत्म, तीसरा फेंके, तीसरा, मतलब बहुत ज़्यादा इनको बैटरी, और प्लस ग्रैंड टोटल बैटरी का वेट ऐड हो जा रहा है स्ट्रक्चर में। गैस जनरेटर से ये फायदा है कि वो वही फ्यूल पे चल रहा है जो आप ले जा रहे हो, वो उस फ्यूल से थोड़ा सा ले ले रहा है, तो इसलिए ये बड़ा रॉकेट नहीं बना सकते, कुछ भी करके ये बड़ा नहीं कर सकते, और अगर बड़ा करने लगे तो इनको खुद ही नुकसान होगा कि भले मतलब थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बहुत बढ़ाने की कोशिश किए तो इनकी दाम बढ़ जाएगी, तो फिर से ये वहीं पहुंच जाएंगे कि लोग बोलेंगे भैया तुम्हारे पे मान लो 20 मिलियन में हम दे रहे हैं, 40 मिलियन में हमको स्पेस एक्स तुमसे डबल पेलोड, डबल क्या 6 टाइम्स 7 टाइम्स पेलोड दे रहा है, तो समझिए ये लटक गए हैं इस जगह पे कि, लेकिन इनको पता है ये कि ये कभी बड़ा रॉकेट नहीं बनाना, जिसने बोला हम छोटी कंपनी है छोटे ऑडियंस के लिए छोटे टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, इनका यही कहना है। तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इनके लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन काफ़ी अच्छा और यूनिक अप्रोच ले रहे हैं इसके बारे में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बैटरी रॉकेट के बारे में, होप करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप कमेंट लिखिए कि अगले बार आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड रॉकेट मंडे में, और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, हम वीडियो हर दिन बनाते हैं, और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।